दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित बदसलूकी के मामले पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। इस बीच 16 मई को अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान केजरीवाल से मालीवाल के मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई। केजरीवाल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश ने कह दिया कि इससे जरूरी और भी चीजें हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। इतना ही नहीं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मणिपुर से लेकर प्रज्वल रेवन्ना तक के मुद्दे गिनाकर उल्टे बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेले, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। उधर बीजेपी पूछ रही है कि मालीवाल के मामले में तुरंत FIR क्यों नहीं हुई, आखिर केजरीवाल इस मामले में एक्शन लेने वाले कौन होते हैं? एक्शन तो पुलिस के जरिए होना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी, पुलिस क्यों नहीं बुलाई, विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। हाल ही में ये आरोप सामने आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई। केजरीवाल के निजी सहायक पर इस बदसलूकी का आरोप लगा। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा और बीजेपी ने हमला बोलना शुरू किया, तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह सामने आए। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी हुई है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने मामले को संज्ञान में लिया है और वो सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं, पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं, हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में
संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। चलिए अब आपको इस मामले पर बीजेपी के बयान सुना देते हैं। आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठ, धोखा और मक्कारी है। चार दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के घर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, उनके साथ अभद्रता की गई। खुद उनके सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हाँ, दुर्घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनके साथ अभद्रता की है। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए। लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के अत्याचार के साथ अरविंद केजरीवाल खुद खड़े होते हैं। वह अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, जो महिला विरोधी है और जो महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का अपमान करता है। हम देखते हैं कि जब एक कॉस्मेटिक बयान भी संजय सिंह ने पहले दिया था 32 घंटे के बाद, जिस व्यक्ति को इन्होंने आरोपी बताया था, विभव कुमार, उसको संरक्षण देने का काम किया जाता है। और अभी 72 घंटों से अमूमन जो मुखर होकर बोलती है महिला विषयों पर स्वाति मालीवाल, वो पूर्ण तरीके से चुप है। कल संजय सिंह उनके घर पर दबाव डालने भी गए थे। उनके निकट के लोग, नवीन जयहिंद हो, नितिन त्यागी हो, वो बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। नितिन त्यागी को तो पार्टी से एक प्रकार से बाहर कर दिया गया है, और विभव कुमार को संरक्षण मिल रहा है कि वो मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको डिस्टेंस किया है। FIR उनके ऊपर करना तो दूर की बात है। इसका मतलब साफ है कि जो हमला, जो हिंसा स्वाति मालीवाल के साथ हुई, जैसे PCR कॉल में दर्ज है, वो विभव कुमार ने नहीं, वो केजरीवाल ने करवाई। और इसीलिए अब केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, इधर उधर की बातें करना छोड़िए। और देश की महिलाएं जानना चाहती है कि यदि एक मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा महिला सांसद सुरक्षित नहीं, तो किसी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता के साथ कोई महिला सुरक्षित रह सकती है? और इनका तो लंबा और पुराना इतिहास, हाथापाई, हिंसा करा है। इन्होंने तो अपनी पत्नियों को भी कैसे पीटा है, ऐसे कई ऐसे उदाहरण सामने आए। आज अरविंद केजरीवाल जी को न केवल इस्तीफा देना चाहिए, पर यह बताना चाहिए कि विभव कुमार को जो बचा रहे हैं, यही आपके महिला सशक्तिकरण का मॉडल है? और इंडी अलायंस के जो सारे नेता हैं, जो महिलाओं के विषयों पर अक्सर बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, वो आज चुप क्यों हैं? इस पर भी बोलना चाहिए। डाइवर्ट करने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचा नहीं रहे हैं? क्योंकि ये हमला विभव ने नहीं, केजरीवाल ने करवाया। इस मामले में स्वाति के पूर्व पति का बयान भी सामने आया। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि स्वाति की जान को खतरा है। देखो, जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली CM हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है, पहली बात तो ये है। और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है, और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की। और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है,